Hey everybody, this is Tarun Kapoor starting a session on important appointments for 2020 exams. इस वीडियो में आपको फ्रॉम जनवरी 2019 से लेकर दिसंबर 2019 तक जितनी भी इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की हैं, चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की हैं, चाहे वो टेक्निकल डिपार्टमेंट की हैं, चाहे वो इंटरनेशनल पोस्ट के ऊपर जो हैं की और जो अदर्स मिसलेनियस अदर में आ जाती हैं, वो सभी कवर करी गई हैं. 70+ अपॉइंटमेंट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको आप मिस नहीं कर सकते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए. सो स्टार्ट करते हैं. तो पहला हमारा अपॉइंटमेंट था जो प्रमोद सावंत जी का, जो कि चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं गोवा के 13th चीफ मिनिस्टर. नंबर भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में. नेक्स्ट लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा जो है, उन्होंने डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प जो है हमारे, उनके ये डायरेक्टर जनरल चुने गए हैं. उसके बाद आ जाता है प्रदीप सिंह खरोला. ऑल इंडिया चेयरपर्सन थे पहले हमारे, सॉरी एयर इंडिया के चेयरपर्सन थे, अब उन्हें सिविल एविएशन सेक्रेटरी, जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है उसका सेक्रेटरी अपॉइंट करा गया है. उसके बाद जस्टिस डी के जैन है जो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें बीसीसीआई का ऑम्बर्ड्समैन अपॉइंट करा है. ये क्वेश्चन भी आ सकता है, बीसीसीआई का ऑम्बर्ड्समैन कौन अपॉइंट करता है? सुप्रीम कोर्ट. दैट्स वाई वी हैव रिटन हेयर दिस. नेक्स्ट ऋषि कुमार शुक्ला जो आईपीएस ऑफिसर हैं फॉर्मर, अब उनको सीबीआई का नया चीफ अपॉइंट करा गया है. उसके बाद रुचिरा कम्बोज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू भूटान. ठीक है, ये राजनेता होते हैं, लाइक जो फ्रॉम आर कंट्री टू अदर कंट्रीज़. ठीक है, जो आईएफएस ऑफिसर्स होते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस के एम्बेसडर्स, वो भूटान में. उसके बाद दिनेश भाटिया एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रिपब्लिक ऑफ अर्जेंटीना. ठीक है, ये भी एम्बेसडर हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है. उसके बाद सुशील चंद्रा जो हैं सीबीडीटी के जो चीफ थे, उनको इलेक्शन कमिश्नर चुन लिया गया है. ठीक है, सीबीडीटी मीन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. उसके बाद में आ जाए हमारा सी लासवता, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड लोकयुक्ता इन मिज़ोरम. मिज़ोरम देखिए आपके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है जी, जो एलएलबी एंट्रेंसेस है खासकर उनके लिए पूरी की जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं उनके चीफ जस्टिस के नाम को देखना, गवर्नर्स के नाम को देखना. ठीक है, साथ साथ में जितने भी लोकयुक्त्स हैं, जो भी लोकयुक्त हैं, क्योंकि अभी ये जो हमारे इंट्रोड्यूस हुआ है, सभी को चेक करना कि किस स्टेट का कौन है. ठीक है, जो एडवोकेट जनरल है उनको वो जो इम्पॉर्टेंट जो लास्ट में रिसेंट हुई है उनको देखना, वो ये ज़रूरी है. उसके बाद में आ जाता है गुरु प्रसाद मोहपात्रा जो कि नए सेक्रेटरी चुने गए हैं डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड. देखिए ऐसे बहुत सारे सेक्रेटरी हो, मगर कुछ जो होते हैं पर्टिकुलरली न्यूज़ में होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में रहे हैं. उसके बाद आ जाता है प्रमोद चंद्र मोदी जो हैं, ये चेयरमैन ऑफ सीबीडीटी जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन हैं. और इसमें ये बात ध्यान दीजिएगा, पूरी वीडियो में सिर्फ वही अपॉइंटमेंट्स लिखी गई हैं जो 2019 में हुई थी, जो अभी भी प्रेजेंटली उस पोस्ट के ऊपर कायम है 2020 में. मान लीजिए कोई पर्सन है जो 2019 में अपॉइंट हुआ था, मगर वो 2020 में अब इस समय उस पोस्ट पर नहीं है, तो उसे इसमें इंक्लूड नहीं किया गया क्योंकि वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. उसके बाद में आ जाता है अजय कुमार भल्ला जी हैं जो यूनियन होम मिनिस्टर सेक्रेटरी हैं, जो उस टाइम 2019 में चुने गए थे मगर वो अभी भी हैं. उसके बाद इन्हें राजीव गौबा जी को रिप्लेस करा है, इनकी जगह के ऊपर हमारे ये आए हैं अजय कुमार. राजीव गौबा जी अब क्या हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी चुन लिए गए हैं. उसके बाद में आ जाता है हमारा अजय कुमार जो हैं न्यू डिफेंस सेक्रेटरी हैं. ठीक है, और हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है. उसके बाद आ जाता है राजीव गौबा जी, जैसा कि हमने पढ़ा है, न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी हैं. इन्हें पी के सिन्हा जी को इन्होंने रिप्लेस करा है, पी के सिन्हा जी के का, और न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा जी बने हैं. देन उसके बाद गिरिराज प्रसाद गुप्ता कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, बहुत चांसेस हैं इसके एग्जाम में आने के. देन के नाटा राजन न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट. देन उसके बाद में आ जाता है हमारा अजीत डोवाल जी. देखिए आपको सभी को पता है कि जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, बड़ी न्यूज़ में रहे हैं. दिल्ली के जो भी राइट्स हुए थे, जो भी प्रोटेस्ट हुआ था, उसके अंदर भी इनको चुना गया था वहाँ पर कंडीशन को चेक करने के लिए. देन सतीश चंद्रा वर्मा जी हैं जो हमारे एडवोकेट जनरल ऑफ छत्तीसगढ़, इनको चुना गया था 2019 में. देन उसके बाद में आ जाता है अरविंद कुमार न्यू चीफ ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो, इनको चुना गया है. ठीक है, और सामंत गोयल जी हैं रो, जो हमारी एजेंसी है, ठीक है, वो उसके चीफ हैं सामंत गोयल जी. देन उसके बाद पद्मनाभा बालकृष्णा आचार्य जी, न्यू गवर्नर ऑफ मणिपुर, वेरी इंपॉर्टेंट. गवर्नर्स के क्वेश्चन, चीफ जस्टिस के क्वेश्चंस जनरली एलएलबी एंट्रीज में आते हैं. देन अमिताभ कांत, 2 ईयर एक्सटेंशन एज नीति आयोग सीईओ. ठीक है, इनको 2 साल का और एक्सटेंशन कर दिया गया इनकी सर्विस का, नीति आयोग के सीईओ, वेरी इंपॉर्टेंट. देन उसके बाद में आ जाता है, नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, वेरी, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है, पेपर में आ सकता है. देन करमवीर सिंह जो हैं हमारे नेवी चीफ हैं, ठीक है, और अभी भी इस पोस्ट पर हैं. देन जगनमोहन रेड्डी, यू नो वेरी वेल, न्यू सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश, 2019 में इलेक्शन हुए थे. देन फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे इंडिया के, डॉक्टर मनमोहन सिंह, बिकम द राज्यसभा मेंबर फ्रॉम राजस्थान, ओके, इन 2019. देन चंद्रिमा शाह जी, शी इज़ द फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैन बी देयर इन योर एग्जाम. देन उसके बाद में आ जाता है हेमंत सोरेन जी, चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड, इलेक्शंस. देखिए जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं, जितने भी गवर्नर हैं, जितने भी हमारे चीफ जस्टिस हैं, गवर्नर हैं, और क्या बोल सकते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर, तीनों इम्पॉर्टेंट हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए. कोई भी एग्ज़ाम है तो उसको जिस दिन एग्ज़ाम है उससे पहले दिन उस चीज़ को देखिए, क्योंकि पहले दिन, 1-2 दिन पहले भी कई बार चेंजेस हो जाते हैं. देन उसके बाद में आ जाता है अरविंद सिंह, चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट. देन उसके बाद में आ जाता है शरद कुमार सरफ जो हैं हमारे एक्सपोर्टर्स बॉडी, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट. मगर उसके बाद जस्टिस प्रसन्नता कुमार साखिया, रिटायर्ड हैं, ये रिटायर्ड जज हैं जिनको लोकयुक्ता चुना गया है अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है. देन नेक्स्ट इज ओम बिरला जी, यू नो, जो हमारे इलेक्शंस हुए थे 17th लोकसभा के, उनके स्पीकर चुने गए हैं. एंड जो उसके बाद ये एमपी हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, कोटा राजस्थान से. क्वेश्चन भी पूछा जाता है जनरली कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे एमपीज़ हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कौन से स्टेट से हैं. लास्ट से किसी एग्ज़ाम में एलएलबी के एंट्रेंसेज में ऐसा पूछा गया था कि जो हमारे हाईवे मिनिस्टर हैं, अडवाणी नहीं, नो, जो हमारे गडकरी जी, वो कौन सी राज्यसभा लोकसभा सीट से निर्वाचित हैं, तो उसका आंसर था नागपुर. सो इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो हमारे ओम बिरला जी हैं वो कौन सी अपनी स्टेट से, कौन सी स्टेट से या कौन सी सीट से हैं, कोटा से जीते हुए हैं. दैन जस्टिस धीरू भाई नारायण भाई पटेल जो हैं न्यू चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट हैं, अभी भी हैं ये. उसके बाद में आ जाता है गार्गी कोल जो हैं सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस फाइनेंस, ये भी इम्पॉर्टेंट है, न्यूज़ में रही हैं. देन उसके बाद ड्रैगन मिकेलाविक जो कोच हैं इंडियन मैंस नेशनल वॉलीबॉल टीम की, वेरी इंपॉर्टेंट. देन उसके बाद में आ जाता है मृत्युंजय मोहपात्रा, वेरी, इसमें क्या है कि ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के नए चीफ चुने गए हैं, रिनोन्ड साइंटिस्ट हैं, साइक्लॉन वार्निंग स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है. उसके बाद नृपेंद्र मिश्रा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू PM मोदी, वेरी इंपॉर्टेंट. देन उसके बाद में आ जाता है हमारा अजय नारायण झा इज अ फाइनेंस कमीशन मेंबर, 15th फाइनेंस कमीशन के हमारे मेंबर रहे हैं, और इन्होंने शक्ति कांत दास जी को रिप्लेस करा है. देन भगवान लाल सहानी जी, वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब, उनके सभी के चेयरमैन आपको पता होने चाहिए, मगर ये 2019 में अपॉइंटेड हुए इसलिए इसमें ऐड करा गया है. देन चेयरमैन ऑफ हमारे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस. देन उसके बाद में जाता है के श्रीकांत, इनका नाम ऐसे रिटर्न है, न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी न्यूज़ में आया, देखिए, क्योंकि हमारा जब ये 2022 का पहला लॉकडाउन हुआ था उनके इनका नेम भी न्यूज़ में आया था. देन एम आर कुमार, देन न्यू चेयरमैन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन LIC के MR कुमार. देन नेक्स्ट इज के पुरवार, CMD दैट इज़ चीफ जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं BSNL के, वेरी इंपॉर्टेंट. रविंदर टक्कर जो MD एंड CEO ऑफ आइडिया एंड वोडाफोन, आपको सभी को पता है ये दोनों मर्ज हो गई हैं. देन उसके बाद में आ जाता है आमिर खान, फ़ोनपे ने नए ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट या सिलेक्ट करे हैं आमिर खान 2019 में. मधुर द्योरा जो हैं प्रेसिडेंट ऑफ PayTm, वेरी इंपॉर्टेंट. देन उसके बाद मनीष महेश्वरी, ब्रांड एम्बेसडर, नो दिस इज़ नॉट ब्रांड एम्बेसडर हेयर, मनीष महेश्वरी इज़ द हेड ऑफ ट्विटर, इन इंडिया, ठीक है, जो इंडिया में हेड हैं ट्विटर के वो हमारे मनीष महेश्वरी हैं, दे आर नॉट ब्रांड एम्बेसडर। देन उसके बाद में आ जाता है मयूरी कैंगो। मयूरी कैंगो इज़, ये गूगल की इंडिया हेड हैं और मनीष महेश्वरी ट्विटर के हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आ जाता है आशुतोष गुप्ता, जो ये लिंक्डइन के कंट्री मैनेजर हैं, ठीक है, आशुतोष गुप्ता जी। देन नज़मा अख्तर, शी इज़ द फर्स्ट विमेन वाइस चांसलर वीसी ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया, जो यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, जामिया मिलिया इस्लामिया, इनकी फ़र्स्ट विमेन वाइस चांसलर हैं। देन उसके बाद में जाता है क्रिस्टेलिनिया जॉर्जिविया, वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ये क्वेश्चन जनरली पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो 2019 में अपॉइंटमेंट हुई थी इसलिए मेंशन किया गया, यूनाइटेड नेशन की भी आप देख लीजिएगा। देन उसके बाद प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा जो है हमारे चेयरमैन हैं ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन, बड़ा इंपॉर्टेंट बिल है, पूरी साल न्यूज़ में रहा है, तो इसके जो चेयरमैन हैं ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद में आ जाता है कैटेरिना सैकिलियो लारो पोलो, दैट इज़ प्रेसिडेंट ऑफ ग्रीस, जो चुनी गई हैं। उसके बाद तरनजीत सिंह संधू, न्यू इंडियन एम्बेसडर टू द यूनाइटेड स्टेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन उसके बाद में आ जाता है सुंदर पिचाई, अल्फ़ाबेटिक जो हमारी सीईओ हैं, इनके आप सभी को पता है गूगल के। देन उसके बाद मसंत, जो गूगल है इनका सब्सिडरी है इस कंपनी का, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको। देन मसंत सुगू असकावा, प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। दिस देखिए, बहुत सारे जो गवर्नमेंट ने, हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उन्होंने लोन्स लिए हैं अलग अलग टाइम पे पूरे इंडिया में, पूरे साल में, तो ये बड़ा न्यूज़ में रहता है, तो इनके प्रेसिडेंट पता होने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद में थैंक यू सो मच, यही हैं हमारे 2019 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसको आप मिस नहीं कर सकते हैं। और इफ़ यू हैव एनी डाउट और कुछ भी आपको पूछना चाहते हैं, कुछ भी शेयर करना चाहते हो, या कुछ आपको लगता है कि हमें हमारे चैनल पे हमें देना चाहिए, देन प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।